वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वेलकम टू यंग्लिश क्लास लेट्स कंटिन्यू विद द बैक एक्सरसाइज ऑफ आ चैप्टर लेट स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सिंपल पास टेंस डियर चिल्ड्रेन दिस टर्म इज न्यू फॉर यू ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया है इसको समझने से पहले आइए हम ये दो सेंटेंसेस को रीड करते हैं द वुमेन प्लान्ट सीट प्लांट का मतलब क्या है पौधा भी है बट यहाँ पे प्लांट का मतलब है बोना लेकिन मैंने प्लांट के आगे आपने देखा ईडी हुआ है प्लांटेड शी टच द पेटल्स विद हर लिप्स ट मीन्स छूना लेकिन ई डी लगा है टचड तो बेटा जहाँ पर भी एक्शन वर्ड्स आपने पढ़ा है ना एक्शन वर्ड्स कौन से हैं जो बताते हैं क्या काम हो रहा है एक्शन वर्ड्स में अगर ई डी लगा होता है इट मीन्स वो एक्शंस कभी पहले हुए हैं अगर आप कहते हो मैंने कल डॉरेमॉन देखा था तो आप क्या बोलोगे आई वॉचड डॉरेमॉन येस्टे वॉच एक वर्ड है और ई डी अगर हमने लगा दिया तो इट विल बिकम पास टेंस मेरी मम्मी ने रात को मैगी बनाई थी माय मदर अच्छा कुकिंग करने को क्या बनाने को क्या कहते हैं कुक लेकिन हम बात कर रहे हैं रात की माय मदर कुक्ड मैगी यस्टरडे सो इन दीज सेंटेंसेस आल्सो किसके बारे में बात हुई है वो एक्शंस जो पहले हुए थे तो लेट्स स्टार्ट विथ सम मोर एग्जाम्पल्स फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स और जब हम एक्शन वर्ड्स में ईडी लगा देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सिंपल पास टेंस मीन्स जो एक्शंस पहले हुए हैं उन सेंटेंसेज में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं मदर डैश अ डिलिशियस मील अगर हम यहाँ इफ़ी से इफ़्फ़्फ़ी से मदर कुक्स अ डिलीशियस मील तो वह बनता है मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं लेकिन अगर मैंने लिखा मदर कुकड कुक के आगे ई डी लगा दिया तो मम्मी ने अच्छा खाना बनाया था इट डैश इन द आफ्टरनून आप बोलते हो ना आज दोपहर को बारिश हुई थी अगर आप शाम को या थोड़ी देर बाद बात कर रहे हो तो दोपहर के बारे में कर रहे हो तो हम कहेंगे इट रेंड इन द आफ्टरनून आय डैश माई कज़ंस इन शिमला मैं अपने कज़न्स से शिमला में मिला था हम पास टेंस फॉर्म लगा रहे हैं तो मिलने की इंग्लिश है सॉरी मिलना नहीं विजिट की बात हो रही है विजिट गया था तो विजिटेड वी डैश अ पपेट शो ऑन संडे हमने संडे को पपेट शो देखा था तो वॉच हमारा एक्शन वर्ड है और हम उसको पास टेंस में करने के लिए कर देंगे वॉचड तो आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जो कभी पहले हुए हैं तो हम उन एक्शन वर्ड्स के आगे ई डी लगाते हैं

वॉल को पेंट किया था किस कलर में येलो द चिल्ड्रन डैश एट द फनी क्लाउन लुक्ड भी हो सकता है राइट लिसन नो पेंट तो हमारा हो गया क्लाउन को देख के हम क्या करते हैं वी जनरली लाफ्ट द चिल्ड्रन लाफ्ट देखो ये लाफ की स्पेलिंग और हमने आगे लगाया ई डी बच्चे क्लाउन को देखकर हंसे थे ऋषि डैश एट द ब्राइट रेनबो ऋषि लुक्ड लुक मीन्स देखना और लुक्ड ऋषि ब्राइट रेनबो की तरफ देख रहा है नहीं देख रहा था क्योंकि हमने एक्शन वर्ड में ई लगाया है इसको सिंपल पास टेंस में किया है हेलन डैश टू द साउंड ऑफ कुकू क्लॉक हेलन ने कुकु क्लॉक की साउंड को सुना था तो सुनने की इंग्लिश होती है लिसन और पास्ट टेंस में हम क्या करेंगे लिसन के आगे हम ई लगा देंगे तो इट विल बिकम लिसेंड। ओके नाउ योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस लिसन केयरफुली एंड फिल द मिसिंग वर्ड्स अब यहाँ आप कुछ भी भर सकते हैं आपके पास कोई भी हेल्प बॉक्स नहीं है सो so, लेट्स फिल द ब्लैंक्स ऐसे दिस इज अ बॉक्स कुछ भी भर सकते हैं दिस इज अ बॉक्स बॉक्स ये एक है द डैश इज सिटिंग इन द गार्डन द बर्ड इज सिटिंग इन द गार्डन द डैश हैज सीन अ डैश द गर्ल हैज सीन अ रेनबो या फ्लावर भी लिख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं the cat wants to chase the rat या eat भी कर सकते हैं The cat wants to eat the rat और the cat wants to kill the rat। हम यहाँ किल भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे चेज भी लिख सकते हैं ओके और हम यहाँ पे प्ले भी लिख सकते हैं ओके ईट भी लिख सकते हैं The cat wants to kill the rat the cat wants to chase the rat chase means pecha karna or the cat wants to eat the rat okay now vocal crossing so this is vocal crossing अभी तक हम क्या सीख रहे थे हम सीख रहे थे सिंपल पास टेंस हम उन एक्शंस के बारे में डैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस तो इसमें भी वोकल क्रॉसिंग में भी टू गर्ल्स आर टॉकिंग विद ईच अदर एंड दे आर टॉकिंग अबाउट वॉट दे डिड येस्टरडे जो उन्होंने एक दिन पहले किया था तो याद रखिए जब भी हम पास्ट एक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो एक्शन वर्ड्स होते हैं जो भी हमने काम किए होते हैं आई प्लेड आई लिस आई वॉस्ड ठीक है एंड आई लुक्ड उन सब ये जो वर्ड्स हैं हमने सबके आगे ई डी लगाया है तो लेट्स सी वॉट डिड यू डू येस्टर डे मॉर्निंग अ प्लेयर इन द पार्क विद माई डॉग तुमने कल सुबह क्या किया था तो दूसरी गर्ल ने जवाब दिया आई प्लेड इन द पार्क विद माय डॉग कैन यू सी प्ले में ई लगा के बात की है कि वो पहले हुए एक्शन के बारे में बात करी है कि कल सुबह मैं अपने डॉग के साथ खेली थी एंड व्हाट डिड यू डू ओ आई रेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ मोर्मेंट ओ आई रेड अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ मरमेंट मैंने एक बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी पढ़ी थी रेड जब हम पहले वाले बात करते हैं कि मैंने कल पढ़ा था तो वो रीड की जगह बन जाता है रेड लेकिन अगर हमने आज पढ़ा है या अभी पढ़ा है तो रीड राइट right? तो इस वर्ड सेम रहता है लेकिन रीड का रेड हो जाता है यू मे यूज़ दीज वर्ड्स वॉस्ट अ नाइस फिल्म अच्छी फिल्म देखी थी लिसन टू अ स्टोरी मैंने कल स्टोरी सुनी थी हेल्प्ड मदर इन द किचन मम्मा की किचन में मदद की थी विजिटेड माई कजन्स अपने कजन्स के पास गया था सो रिमेंबर वेन वी टॉक अबाउट द एक्शंस डेट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस वी पुट ई डी आफ्टर एक्शन वर्ड्स मूविंग टू पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ थम्ब लीना एंड दिस इज़ अ पिक्चर कॉम्पोजिशन यू विल सी द पिक्चर एंड यू विल फिल द ब्लैंक्स पिक्चर को देख के हम ब्लैंक्स फिल करेंगे थम्ब लीना इज़ वेरी कैसी है थम्ब लीना वॉलट शल नो टाइनी थम्ब लीना इज वेरी टाइनी वो बहुत छोटी है She has dash hair. kaise baal hain uske you can see long and the what's the color golden. She has long golden hair. Her bed is made of ये किस क्या दिखाई दे रहा है आप लोग खाते हैं एक dry fruit है walnut walnut shell. द डैश कीप हर वॉर्म एट नाइट वो किससे ढकी है जिससे वो गर्म रहती है द फ्लार पेटल्स देखो फ्लार पेटल्स आर ओवर हर बॉडी फ्लार पैटल्स कीप हर वॉर्म एट नाइट सो आई हैव कंप्लीटेड दिस पिक्चर कॉम्पोजिशन ऑल्सो नाउ लेट्स रिकॉल फास्ट वॉट वी हैव डन इन दिस चैप्टर वेन वी टॉक अबाउट एक्शंस डेट हैलरेडी टेकन प्लेस वी यूज वर्ब्स इन सिंपल पास टेंस जब भी हम एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं हम यूज करते हैं सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस ऑफन एंड विथ ईडीडी लगाकर एंड होते हैं लाइक येस एग्जाम्पल्स लिसेंड वॉचड टॉक्ड विजिटेड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा We have learned the words also that begin with W wh sound. So, we have learned which, why, when, where, what, and whom. We have learned the use of these words also. So, that's all for today. This is a wonderful activity given. If you want to do, you can do it in your

अरेंज कीजिए और किसी ग्लू से उनको पेस्ट कर दीजिए उस पर एंड प्रेस देम जेंटली ऑन द पेपर व्हेन दे हैव ड्राइड जब वो पूरी तरह सूख जाएं राइट नोट्स ऑन देम फॉर योर डियर वंस अपने फ्रेंड्स के लिए उस पर आप सुंदर से कार्ड्स बना सकते हैं आप उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स लिख के उनको दे सकते हैं सो दिस इज़ अ वंडरफुल एक्टिविटी इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दिस दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ वंडरफुल डे हेड टेक केयर बाय बाय